नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप मुझे देख रहे हैं एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको हेडलाइन देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम रायपुर जा रहे हैं और रायपुर पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा आज इस बार एक्सप्लोर करेंगे। इस बार सिटी फोकस ज़्यादा रहेगा कि क्या डेवलपमेंट वगैरह हुए हैं पहले से और अभी में क्या डिफरेंस आया है। तो अभी चलते हैं, बाकी बातें यहाँ पर रास्ते में करेंगे। अभी सुबह के बजे हैं 7 और हमको निकलना था 6 बजे, पर 1 घंटा लेट हो गया। एक्चुअली में गोप्रो प्रॉब्लम कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है मोबाइल के साथ, तो ये अंदाज में वीडियो बन रहा है। थोड़ी देर में फिर एक बार चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अभी हम सिंधी कॉलोनी में हैं और यहाँ से हमको टिफरा होते हुए मेन रोड में जाना है। तो अभी तो सिटी के अंदर ही है और बाहर पहुँचते हैं, फिर एक बार और ट्राई करेंगे उसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके बिना आपको मालूम नहीं पड़ेगा एंगल वगैरह क्या है। अभी अंदाज में काम चल रहा है। ये टिफरा का ओवरब्रिज है रेलवे का, काफ़ी समय से बन रहा है, अभी तक बन नहीं पाया है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे वन वे कर दिया है ट्रैफिक के लिए, तो ऑलमोस्ट जाम की सिचुएशन रहती है यहाँ पे। और अगर आप पीक टाइम में हैं तो आधा पौन घंटा केवल आप रेंगते रेंगते निकल पाते हैं। शुरू में प्लानिंग की नहीं, काफ़ी ट्रैफिक था रायपुर रोड में और सकरा सा पुल बना था, ये जो बना ही है। अब ये सेकेंड वाला पुल ऊपर बन रहा है जो कि केवल आने के लिए रहेगा, जाने के लिए ये पुल रहेगा, लेकिन बनने में बहुत टाइम लग रहा है, जिसके कारण ये समझ नहीं आ रहा है कब तक स्टार्ट हो पाएगा। हालांकि टाइम तो काफ़ी पहले गुजर चुका है इसका कंप्लीट होने का, और अभी करीब करीब 5-7 किलोमीटर और रहेगा सिटी एरिया, उसके बाद फिर अपन हाईवे पर जाएंगे हाईकोर्ट के बाद। काफ़ी बिजी रोड है ये और काफ़ी बिजी पुल है, और ऐसा लगता ही नहीं है आपकी इस सिटी के आउटर में जा रहा है। अभी हम रायपुर रोड में हैं, सरगांव से आगे निकले हैं, रायपुर साइड जा रहे हैं, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है। पिछले बार जब बना रहे थे जे हुक टूट गए थे यहाँ से, आज भी जे हुक क्रैक हो गया है, GoPro कनेक्ट नहीं हो रहा है, लगातार ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहा, भगवान भरोसे फुटेज बन रही है, तो पता नहीं देखने लायक यूजबल है कि नहीं है वो पता नहीं है, अभी कनेक्ट होने के बाद मालूम पड़ेगा कि फुटेज है, साउंड है कि नहीं है। तो आगे देखते हैं, ठंडी तो बहुत है अभी। सामने टोल गेट है और बिलासपुर के बाद ये पहला टोल गेट है, और मेरे ख्याल से ये ऑपरेशनल हो गया है, पर अपन तो है 2 चक्के वाली गाड़ी में, तो अपन साइड से निकल सकते हैं। अदरवाइज फिर आप पे करो और आगे निकल जाओ। ये है टोल गेट और करीब करीब इसमें 8 से 10 गेट हैं, जो कि ट्रैफिक के हिसाब से ठीक है। भोजपुरी टोल गेट काफी बड़ा टोल गेट है। लग रही काफी और ठंड को सहना गेट बहुत रिस्की है, तो सहने की बजाय उसे बचने की कोशिश की जाए। कॉफी मिल जाएगी क्या? कॉफी 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 हो जाएगी? कॉफी हो जाएगी क्या? कॉफी कॉफी चाय मिलेगी? नहीं नहीं चाय नहीं। अब यहाँ से रायपुर 62 है, कोशिश कर करके थक गए GoPro में, भगवान भरोसे फुटेज आ रही है, ठंडा बहुत है, हाथ जम रहे, वहां पहुंच के देखते हैं। घंटे की सनासन जर्नी के बाद अपन रायपुर पहुंच गए। ये पीछे है शेरे पंजाब ढाबा, कुछ खा भी लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। सिटी में काफ़ी घूमना है इसलिए पूरा टॉनिक यहाँ ले लेंगे। रोड बढ़िया थी, अब यहाँ का ट्रैफिक फेस करेंगे अपन। GoPro की बैटरी भी डाउन हो गई। अब मेरा सांभर बड़ा आ गया है और तुम्हारा? मेरा भी सांभर बड़ा। पानी बोतल भी आ गई, कॉफ़ी पीते हैं फिर चलते हैं। ठंड लग रही है यहाँ पे, लगातार ट्रैवल किए हैं तो बाहर ठंडी हवा थी, तो अब देखते हैं आगे क्या पोजीशन रहती है। हालांकि मेरे को लग रहा दिन भर ठंडा ही रहने वाला है आज। बड़ी मशक्कत के बाद हमारा GoPro कनेक्ट हो गया है और मालूम पड़ा कि रास्ते का 80% में साउंड ही नहीं आया है,
और कुछ में धब्बा आया, हाथ हाथ लगा होगा, तो प्रीव्यू नहीं मिलने से ये प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट हमारी रायपुर जर्नी यहाँ से हो रही है, खा पी लिए हैं, अब सिटी टूर करते हैं। और जो अच्छा अच्छा रायपुर में चेंजेस आया है नया नया रायपुर बनाने के लिए और राजधानी बनने के बाद जो सुंदर बनाने के लिए जो चेंजेस किए हैं उसको अपन आज एक्सप्लोर करेंगे, रायपुर सिटी का एक्सप्लोर करेंगे अपन आज। अभी ये रायपुर का भनपुरी एरिया है, अभी टाटी बंद साइड हम लोग जा रहे हैं और टाटी बंद से ही रायपुर में एंटर होते हैं अगर भिलाई साइड से अगर आप आ रहे हैं तो। महादेव घाट इधर जाता है, रायपुर सिटी यहाँ इधर है और सरायपाली आरंग के लिए आप सीधे जाएंगे, तो अपन सिटी में जाएंगे अभी अंदर। पचपेड़ी नाका, तेली बांधा, सरायपाली, धमतरी, जगदलपुर, जगदलपुर के इधर मिलना है। और सामने एक इतना आर्टिस्टिक ब्रिज है, ये रात में लाइट भी जलती है इसमें, तो शहर को सुंदर बनाने के लिए छोटी छोटी काफी सारी चीजें की गई है जिससे शहर सुंदर दिखे। और पहले से तो काफी इम्प्रूव हो भी गया है रायपुर, पहले बिजनेस कैपिटल था ही और अब और चीज़ों में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है यहाँ पे वीर नारायण स्टेडियम, जहाँ आईपीएल के मैचेस वगैरह भी हो चुके हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही शहर अच्छा बनता है और एक टाइम के बाद बनता है, एक दिन में तो कोई शहर डेवलप नहीं हो जाते, तो पहचान मिलती है और रायपुर को अपनी छोटी छोटी पहचान मिल रही है। देखिए यहाँ से अंदर आप जा सकते हैं, सामने मेक इन इंडिया का एक शेर लगा होगा, आप देखिए। ये मेक इन इंडिया का शेर है, ये पुलिस थाने तली बांधा। और आप देखिए ये कितना अच्छा गेट डेवलप किए हैं। की सबसे बेस्ट और आर्टिस्टिक रोड है, कई चीजें इसमें दिखेंगी और इसी में आपको आगे जाके फाफड़ी चौक और रेलवे स्टेशन पड़ेगा। सामने मरीन ड्राइव है और अभी अपन रेड लाइन पे खड़े हैं। अभी मरीन ड्राइव एरिया में आए हैं और ये देखिए पूरा तालाब, पहले वहाँ पे एक फ्लैग होता था और वो सारे फ्लैग निकाल दिए हैं या जो भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं। और इधर पूरा लाइट जलती है, पूरे एरिया में लाइट जलती है, बीच में मछलियाँ भी हैं, पहले बोटिंग भी होती थी, अब ज़्यादा फोकस बूढ़ा तालाब पे कर रहा है, पहले ये मेन था। आसपास वाईफाई स्पॉट्स भी हैं और इधर पूरा खाने का रहता है सुबह और शाम को, सुबह तो उतना ही पर शाम को बहुत रहता है। पहले भी एक वीडियो मैंने यहाँ का डाला है मरीन ड्राइव एरिया का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके उसको देख लीजिए। तो अभी दूसरे चलते हैं, आगे घड़ी चौक भी है, वहाँ चलते हैं। अब ये आगे छत्तीसगढ़ गढ़ कलेवा है, गढ़ कलेवा के अंदर ही महंत घासीदास स्मारक भी है, ये स्मारक है महंत घासीदास और ये छत्तीसगढ़ गढ़ कलेवा। अभी पीछे महंत घासीदास संग्रहालय है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में पूरा बताया गया है। इससे अगर आप देखेंगे तो इसका जो एडवांस वर्जन है वो आपको नया रायपुर मिलेगा, पुरखोती मुक्तांगन, वो ओपन में है और ये बंद में है, तो ये छोटे से एरिया में है लेकिन काफ़ी पुराना है, फर्स्ट यही है। बाद में जब नया रायपुर डेवलप हुआ तो वहाँ पे जंगल सफारी और पुरखोती मुक्तांगन ये सब डेवलप किए हैं, तो पहले आप इसको देख लीजिए, इसके बाद इसका बड़ा रूप आप वहाँ पर पुरखोती मुक्तांगन में देख सकते हैं। अब इधर से अपन घड़ी चौक साइड जा रहे हैं और ये सामने घड़ी चौक है, छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस और रायपुर का सबसे पुराना। कोई भी रायपुर अगर जानता होगा तो घड़ी चौक जरूर जानता होगा, रेलवे से जो उतरेगा तो घड़ी चौक के लिए सीधा ऑटो मिलता था, तो सबसे फेमस चौक, सबसे पुराना चौक। अब डेवलप किए हैं और इसका नाम थोड़ा चेंज किए हैं, गुरु घासीदास चौक कर दिए, ठीक
भीमा चौक गुरु भरदास चौक कर दिया है, लेकिन नाम अभी भी घड़ी चौक है। और आप देखिए घड़ी में 11:20 है, तो घड़ी ठीक नहीं चल रही। और इधर देखिए वो फेमस स्काई वॉक है, काफ़ी रश वाला एरिया था पहले वो, तो उस एरिया में नीचे चलना बहुत मुश्किल था, तो सरकार ने स्काई वॉक चालू किया था कि आप पहले ऊपर चढ़िए और ऊपर चढ़ के पैदल पैदल ऊपर से निकल जाइए जहाँ भी आपको जाना है। सब तरह आपको रेलिंग लगी हुई थी नीचे उतरने के लिए, काफ़ी जो साधन था ट्रैवल करने के लिए। अब चलते हैं अपन जयस्तंभ चौक। ये रायपुर का फेमस जयस्तंभ चौक है, चारों तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। शहीद वीर नारायण जो थे, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनको यहीं फांसी दी थी, ऐसा कहा जाता है, सबूत नहीं है उसके। और आप चारों तरफ देखेंगे तो रायपुर इसके आसपास बसा हुआ है, जो अपन बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल इसके आसपास ही था। इधर जाएंगे तो गोल बाजार पड़ता है जो कि होलसेल मार्केट है, और इधर जाएंगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, नगर निगम कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरा मिलता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट था एक टाइम में, अब तो काफ़ी डेवलप हो गए, लेकिन एक टाइम में था। और अभी आप देखिए उसको रेनोवेट किए, जयस्तंभ चौक को रेनोवेट किए, हमने LCD वगैरह लगा दिए हैं, फेंसिंग लगा दिए हैं, और आप देखिए तो उसमें अशोक चक्र वगैरह भी लगा हुआ है, तो पहले से काफ़ी अच्छा किए। जो रायपुर को सुंदर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें एक पार्ट ये भी है। इधर से और कोतवाली सिटी कोतवाली थाना आएगा, वहाँ से राइट टर्न ले लेना, वहाँ पूछ लेना किसी से। ये बूढ़ा तालाब है आउटसाइड वाला, पीछे से अपन घूम के जा रहे हैं इसलिए यहाँ से दिख रहा है। हालांकि बाउंड्री वाला वगैरह काफ़ी टूटी हुई है, ये पीछे का साइड है और मेन गेट से अपन जाके देखते हैं अभी, तो सामने वाला देखिए अब वो है, ये सामने है बूढ़ा तालाब जिसको अभी रेनोवेट किए हैं अच्छा खासा, और रात को काफ़ी अच्छी लाइटिंग वगैरह होती है। वो देखिए बीच में विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, और पैसेज वगैरह वहाँ से काफ़ी पुराना, करीब 700 साल पुराना है ये तालाब, और रायपुर में तालाब की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे तालाब हैं। नदी भी है खारून नदी महादेव घाट में, और तालाब भी काफ़ी हैं, तो तालाब को अब सुंदर बना बना के घूमने फिरने लायक बना रहे हैं। ये है सामने का एंट्रेंस, और यहाँ पे ये सब झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और भव्य गेट ये है, ये एंट्रेंस है इसका, लेकिन 3 बजे खुलता है। काफ़ी अच्छे गेट्स यहाँ बने हुए हैं, ये सब चीज़ मिलके ही सिटी सुंदर बनती है। ये एक्चुअली में नगर निगम एरिया है, और नगर निगम की बिल्डिंग है, आप नगर निगम की बिल्डिंग है, वाइड एंगल देख लेना, ये देख लिए मोर रायपुर नगर निगम रायपुर, बहुत बढ़िया बिल्डिंग, ऐसे ही बिल्डिंग RTO की भी है यहाँ पे। और ये सामने है डीकैथलॉन, तो जाके देखते हैं कि इसमें कुछ अपने काम की चीज है कि केवल आज ऐसे ही है। अभी रायपुर डीकैथलॉन विजिट किया है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं मिली, साइकिल या स्पोर्ट्स रिलेटेड तो ठीक है, बाकी चीज़ें तो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने नियर और डियर वन को शेयर भी कर दीजिए। अगली बार फिर किसी नया कंटेंट से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, रायपुर से बाय।